नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। केजरीवाल मामले में जर्मनी की टिप्पणी पर भारत ने जताया कड़ा एतराज, कहा न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप। विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की थी कि जिस पर आज भारत ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए जर्मन उप प्रमुख को तलब किया है। अखिलेश ने आजम खान से जेल में की मुलाकात, पश्चिम यूपी की सीटों पर मंथन, इस प्रत्याशी का बदल सकता है टिकट। अपना दल के बाद इस पार्टी ने तोड़ा सपा से गठबंधन, टिकट ना मिलने से नाराजगी अलग होते ही किया बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी करेंगे ताबड़तोड़ जनसंपर्क, मथुरा से शुरू करेंगे अभियान। होली के बाद भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में जुटेंगे योगी। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार, सीएम सैनी संभालेंगे गृह और राजस्व सहित 13 महकमे, जेपी दलाल बन गए वित्त मंत्री। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के नाम पर ठगी, नकली पीए बनकर लूटे 15 लाख रुपए, 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पीए बताकर एक शख्स ने लोगों से 15 लाख रुपए की ठगी की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की संजय राउत की शिकायत, पीएम मोदी के लिए दिया था विवादित बयान। दिग्विजय बोले, मैं मोदी शिवराज के खिलाफ लड़ने को तैयार, राजगढ़ में कहा पार्टी ने हमें यहां से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा है। खाद लूटने के आरोपी पूर्व कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल, कांग्रेसियों ने चावला के फोटो पर कालिख पोती, इंदौर में चल रहा केस। अब होली बाद मंगलवार को जमा होंगे नामांकन, पहले चरण के उम्मीदवारों के पास बचेंगे सिर्फ 2 दिन, टिकट के ऐलान बिना फुंदेलाल मार्को ने भरा पर्चा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज टॉप 10। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।